आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुकेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। रायबरेली जनपद के अपना दल के संगठन पदाधिकारी की सूची जारी की गई है, जिसमें अपना दल रायबरेली के जिलाध्यक्ष कुमार सत्येंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा के पदाधिकारी की सूची जारी की। वहीं पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी की सूची में जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष अभय सोनकर, जिला महासचिव राम बहादुर यादव को बनाया गया। और हमारा उद्देश्य है, हमारे यहाँ नई गठित कुछ पुराने लोग विदेश स्तर के पदाधिकारियों के सहयोग से हमने नई कमेटी गठित की। कुछ पुराने साथी भी इसमें, जिसे जिला महासचिव उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष उनका हर जैसे बनाया गया है, प्रस्ताव बनाया गया है विधानसभा और सदर की टीम कितने पदाधिकारी लगभग 18 से 20 पदाधिकारी जो जिले के विधानसभा को बनाया गया। आगे क्या नदी थर विधानसभा में जाकर हम लोग संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। हर पाय हर विधानसभा के हर आखिरी व्यक्ति के पायदान तक उसको हम हर सरकार की जो योजनाएँ उनको पहुँचाने का काम करेंगे। और कहीं भी किसी को दिक्कत होगी हम लोग 24 घंटे रातों दिन खड़े होंगे। लखीमपुर जनपद के मोहम्मदी थाने स्थित ग्राम केहुआ की एक पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर है। बता दें कि मोहम्मदी पुलिस पीड़ित की ना रिपोर्ट दर्ज कर रही है, ना तो मेडिकल को भेजा है। पीड़ित स्वयं शाहजहांपुर जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां साफ देखा जा सकता है कि यहां शासन की मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। हमारी बहन को मारने की कोशिश की, हरनाम सिंह, ग्राम बीरमपुर, 2005 में शादी की हुई थी। और मुझे 12 बजे रात में फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन घर से लापता है। फ़ोन से सूचना दी तो हम लोगों ने अपने घर वालों को बुलाया, फिर गए वहाँ तो वहाँ मेरी बहन नहीं थी। बहन बेहोशी की हालत में गुलौली गांव के पड़ोस पड़ी मिली। पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है? पुलिस ने कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं। सूचना दी आपने? वर्तमान में आपकी बहन कहाँ है? वर्तमान में मैंने लाने के बाद मोहम्मदी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ से डॉक्टर ने रिफर कर दिया शाहजहांपुर के लिए। इस समय शाहजहांपुर अस्पताल में भर्ती है जी। पुलिस थाने में कोई तहरीर दिया आपने? पुलिस थाने में तहरीर देने गए, मेरी बहन भी मेरे साथ में थी, कोतवाल साहब ने ली नहीं, कहा जे मैं नहीं करूँगा। फिर तो अब क्या चाहते हो तुम? अब हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा लिखा जाए, तहरीर हमारी ली जाए, आगे जो कार्रवाई वो की जाए, हमारी बहन को मार। नोडल अधिकारी विद्युत SI मनीष द्विवेदी जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत संबंधी मामलों के स्थलीय निरीक्षण किया। वही ग्रामीण और क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में स्थलीय निरीक्षण करके और उपभोक्ताओं से बात की, साथ ही बकाया विद्युत बिलों को जमा करने की अपील की। जालौन जिले के जालौन विद्युत उपखंड जिलाधिकारी कार्यालय का मामला बताया जा रहा है। धर्मनगरी चित्रकूट में वर्षों की भांति कृष्ण भक्त मंडल परिवार की बैठक में ज्योतिषाचार्य पंडित नारायण दत्त त्रिपाठी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता हुई। वार्ता में बताया कि 45 वर्ष से लगातार कृष्ण जन्मोत्सव, जल विहार और शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और इस बार भी 25 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो करवी गांव जी रोड से रामघाट तक हाथी घोड़े सहित गाजे बाजे के साथ भगवान कृष्ण जी की मूर्ति का जल विहार किया जाएगा और दूसरे दिन तुला दान किया जाएगा, साथ ही तीसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ये हमारी परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। पहले पूर्व में हर ग्राम में जल विहार उत्सव की परंपरा थी, समस्त ग्रामवासी मिलकर के भगवान की का विहार कराते थे। उनका उद्देश्य था कि सब लोग मिलकर के एक साथ एक मंच पर बैठे और इसका मुख्य उद्देश्य चरण जीवन है। जल को भगवान को ब्रह्म से जोड़ा गया है, जल से ही परमात्मा की उत्पत्ति, जल से जीव की उत्पत्ति, बिना जल के कुछ भी नहीं रह, किसी भी प्रकार का पूर्ण कार्य या कोई भी शुभ कार्य जल के बिना संभव नहीं। इसलिए कुल मिलाकर के जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रकृति का कल्याण, समाज का कल्याण, जल जीवन मिशन, यह स्थिति है। ये कार्यक्रम हमारा
काफी समय से चल रहा है। कितने दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं इसको चलाने का पूरा प्रयास करूंगा। समाज की समानता शिकायत आधाएं है, ये हमारी चित्रकूट में तेज बारिश के चलते मिट्टी से बनी कच्ची दीवार ढह गई। बता दें कि घर के अंदर जो लोग थे वो बाल बाल बच गए, जिसके बाद पीड़ितों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मानिकपुर तहसील क्षेत्र के कैलहा गांव का मामला बताया जा रहा है। बिजली तड़पती है तो बिजली तड़पने के कारण मकान गिर गया। और कोई यहाँ मौके में रह गया? मौके में कोई नहीं था, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? अब इसमें कम से कम इतना हमें रहने के लिए भी जगह नहीं है, कम से कम बाद से बारिश का टाइम है, कुछ रहने के लिए भी दिक्कत है। आपको कैसे सूचना मिली थी? सूचना हमें, हम यहीं घर में बैठे थे वो बगल में, और यहीं बगल से, और ये गिर पड़ी मौके में, हम आके तुरंत देखे। और कोई यहाँ आए थे मौके में? और कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा प्रसाद। निवासी कहाँ के हैं? कैलहा, ग्राम कैलहा। थाना कौन सा है? बहलपुरवा। बिजली तड़पती है। ग्राम पंचायत देवखरपुर विकासखंड सिराथू जनपद कौसाम्बी में राधा रानी की झांकी निकाली गई। श्री कृष्ण भगवान का 12वां उपलक्ष में मेला भी बड़े धूमधाम से लगाया गया। काफी भीड़भाड़ होने से मेला में उत्सव बढ़ गया। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज संयुक्त जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी वार्ड के बाहर झाड़ियों में एक मृत नवजात शिशु पड़ा मिला, जहां लोगों ने जब देखा तो फौरन पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर बच्चे को दफनाया। जैसा कि 2 बजे अस्पताल से निकला था, उस टाइम तक तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन लगभग 3 बजे के लगभग हमको फोन आया कि कोई नवजात शिशु मृत अवस्था में वहाँ कोई आदमी छोड़ के चला गया है, जिसे निर्देश दिया गया कि उसको मॉर्चरी में रखवा दिया जाए। कोई वो लावारिस हालत में था, कोई उसका केयर टेकर नहीं था। लगता है कि कोई परिजन का बच्चा मरा हुआ होगा, वो यहाँ आए होंगे और नहीं ले जाने की स्थिति में यहीं छोड़ के चले गए होंगे, तो उसका पुलिस को सूचना दे दी गई है। जो भी विधिक प्रक्रिया होगी उसको पूरी कराई जाए। जैसा कि 2 बजे चित्रकूट मानिकपुर स्कूल से घर जाते समय बरा माफी के पास छात्रों से भरा ई रिक्शा पलटा, जिससे एक छात्रा और 2 छात्र घायल हो गए, जिसके बाद तीनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बता दी कि सभी छात्र छात्राएं रामपुर कल्याणगढ़ गांव के मानिकपुर के आदर्श इंटर कॉलेज पढ़ने आए थे और ई रिक्शा से वापस घर जा रहे थे, तभी अचानक बरा माफी के पास रिक्शा पलट गया, जिसमें एक छात्रा और 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको राहगीरों द्वारा मानिकपुर सीएससी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर के प्राथमिक इलाज तीनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। तो स्कूल से आप घर जा रहे थे अपने? हाँ। रामपुर। तो कितने लोग बैठे थे आप रिक्शे में? 7 लोग थे, एक लेडीज थी और 3 लड़कियां थी और लड़के थे। तो कहाँ पास एक्सीडेंट हुआ? बराही पास। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम दुर्गा। कहाँ रहती हैं आप? रामपुर।